मैम, कल एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें क्या अपडेट है? ये थाना जीतमल में शिवाजी नगर में ये दो परिवारों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें विमलेश देवी का वीडियो वायरल हुआ था और उनके विपक्षी में धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजय और साहिल, इनके विरुद्ध एक नामजद अभियोग उन्होंने पंजीकृत कराया था। घटना स्थल पर सीओ अजीतमल को भेजा गया। उनकी जांच के अनुसार ये पता चला कि विमलेश देवी के पति रविंद्र और पहलवान, ये सगे चचेरे भाई हैं, दोनों पक्ष पूर्व में पुश्तैनी बंटवारे के बाद अपना अपना घर बनाकर रह रहे हैं। इनके घरों के बीच में एक कच्चा मकान, मिट्टी का मकान पड़ता है जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। इस कच्चे मकान को लेकर काफ़ी विवाद पूर्व में इनमें चल रहा है। कल पहलवान और ये संजय चौहान, इनके पक्ष ने जाके उस कच्चे मकान को तोड़ना चाहा तो विमलेश देवी ने उनका फावड़ा पकड़ लिया और उसका विरोध किया। इस पूरी घटना को वीडियो बना के इनके द्वारा जो है सोशल मीडिया को दिया गया और लिखित तहरीरी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसमें पारिवारिक बंटवारे के कारण 323, 504, 506, 427 का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें नामजद अभियुक्त धर्मेंद्र, जितेंद्र और संजय, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया है। साहिल इसमें नाबालिग है तो उसकी नियमानुसार अरेस्टिंग नहीं हुई है और शेष इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष आज उपस्थित कराया जाएगा। संजय चौहान के बारे में कहा जा रहा था कि जिला बदर होकर जनपद में घटनाएं कर रहा है, तो इसमें संजय चौहान के विरुद्ध इलेक्शन को के दृष्टिगत निरोधात्मक कार्रवाई में गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, जो वर्तमान में जिलाधिकारी कार्यालय में विचाराधीन है। तो ये कहना कि जिला बदर अभियुक्त यहाँ पे रहकर घटना कर रहा है, इसका खंडन किया जाता है। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है।